मैं हूं आपके साथ मधुमिता। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़24/7 लाइव टीवी। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी अहम खबरों की ओर। झारखंड के जामताड़ा में ट्रेन हादसे में 12 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। जी आपको बता दें, बुधवार रात झारखंड के जामताड़ा जिले में कलझारिया के पास एक दर्दनाक ट्रेन हादसा हो गया। इस हादसे में 12 लोग ट्रेन की चपेट में आ गए, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बता दें कि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक अंग एक्सप्रेस में सवार यात्रियों को किसी ने आग लगने की सूचना दी, जिसके चलते अफरा तफरी मच गई। यात्री चलती ट्रेन से ही रेलवे ट्रैक पर कूदने लगे। इस दौरान सामने से आ रही झांझा आसनसोल ट्रेन ने लोगों को रौंद दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रेन हॉल्ट पर रुकी हुई थी, जब भागलपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस गुजर रही थी। रेलवे पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की मदद के लिए काफी संख्या में स्थानीय लोग भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सुरेश ने क्या नाम है और क्या घटना? मेरा नाम सपन मंडल हो, कालाझरिया का ही यहाँ का निवासी हूँ। यहाँ पर जो 4 बजे बारिश गिरा के गया था, वो जो पत्थर जो है, तो वही पत्थर जो पीछे से लोकल एक्सप्रेस जो आई थी, आपका जो हावड़ा यशवंतपुर वहीं ट्रेन आ रही, थोड़ा सा आपका टर्निंग जो है ना, उसमें थोड़ा डाउन होकर जाती है ट्रेन, तो उसी में थोड़ा सा अफवाह मच गया और धुआं निकलने लगा, जैसे पत्थर जैसे जैसे टूटा और चिंगारी फेंकने लगा, तो लोग मतलब अंदर में आदमी सब डरने लगा। तो बस वही से बोला कोई आपका चेन पुलिंग कर दिया, उसके बाद धीरे धीरे रुक गया, और रुकने के बाद कोई कोई तो कूद दिया, तो कोई मतलब पटरी की तरफ कूद दिया। उसी में थोड़ा देर बाद कोई लोकल आया, लोकल ट्रेन आई, तो उससे सुन रहे कि 2-4 आदमी इस तरह मतलब उसमें क्या बोलते उसको कट गया है। कितने की मौत हुई है अभी तो पूरा पुष्टि नहीं हो सका। फिर भी कितने का जानकारी? अभी हम लोग को तो जानकारी 2-3 का मिल रहा है। हम लोग अभी तक आकलन नहीं कर पा रहे और ना देख पाए, अभी तक अंधेरा रहने के कारण हम लोग को पता नहीं चल रहा है। कितनी मरने की रिपोर्ट? अभी तक हम लोग को दिखाई पड़ रहा है 2-3 तक अभी बॉडी देख पाए हैं, और बॉडी अभी दिखाई नहीं पड़ रहा, लाइट कम रहने के चलते। घायल कितने हैं? घायल कितने और नहीं बता सकते। ट्रेन का टाइम बता सकते? टाइम विद्यासागर का रहने वाला हूँ। विद्यासागर जी जी, हम जामताड़ा से बाइक से आ रहे थे, तो जैसे देखें एक्सप्रेस ट्रेन रुकी हुई, हल्ला देखें, हम बाइक खड़ा करके जैसे हम आए यहाँ पे, तो ऑफ लाइन से लोकल से एक्सीडेंट हुआ है। आसनसोल झाझा जाती है, इसमें 2 बॉडी हम देखे हैं, और बोला कि इधर है उधर है, अब खोजबीन में पता नहीं चल रहा, रात का विषय है। घायल घायल कितने लोग? पूरा खोज के आए लोग मंडल जी। हाँ जी, घायल कितने लोग होंगे? घायल कितने हैं इसे तो ट्रेन में भीड़ में पता नहीं चल रहा है, लेकिन 2 डेड बॉडी हमने देखा अपने आँखों से। उसके बाद पूरा मतलब माहौल हो गया, पूरा भगदड़ का माहौल हो गया यहाँ पे। हजारों को लोग उतर के रोड पे, ट्रेन किनारे, ट्रैक के किनारे, खेत में दौड़ने लगा सब आदमी। तो हम लोग पूछे क्या कैसे कैसे, तो देखे आकर के तो बॉडी दिखाई पड़ रहा है 2। यही तो घटना है अभी, और ये रेलवे का लापरवाही की वजह से हुआ है। आज पत्थर गिरा है ट्रेन ट्रैक पे, जो उसका मैंने गर्दा और धुमाट जैसा हुआ, उसके कारण ट्रेन रुकी थी। कड़कड़ मैंने पत्थर वगैरह पूरा आवाज़ होने लगा, तो रोकने के कारण पैसेंजर लोग उतरा है, उतरने के चलते अब पता नहीं, जब तक अचानक ट्रेन आ गई लोकल ट्रेन, उसी में मारा है लोकल ट्रेन से। लोकल ट्रेन कितने बजे की घटना है? ये 6:40 और 6:50 के बीच की घटना है। 6:40 प्रखंड के पास जो कालीझरिया जो ये रेलवे फाटक है, वहाँ पे जो पैसेंजर गाड़ी जो रुकी थी, जो पैसेंजर कुछ उतरे हैं, और इस बीच जो लोकल ट्रेन जा रही थी उसके चपेट में आने से कुछ लोग को कटने की सूचना मिली थी। तो उसके बाद हम लोग RPF और जिला पुलिस बल के साथ हम लोग यहाँ पर सर्च अभियान किए, अभी तक 2 बॉडी रिकवर हुई है, और साथ में हम लोग हेल्पलाइन नंबर जारी करने का भी रिक्वेस्ट किए हुए हैं रेलवे से, और जल्दी जारी होते ही हम लोग भी प्रशासनिक जिला प्रशासन स्तर पर भी उसको हम लोग टेलीकास्ट कर देंगे, सो दैट कि जिनके भी परिजन हैं उसके बारे में जो जानकारी लेना चाहते हैं ले पाएंगे। और साथ में हम लोग जो हमारे अस्पताल हैं वहाँ पे भी सुपरवाइज़र को रखे हुए हैं, मेडिकल ऑफिसर को रखे हैं, कि कोई भी अगर घायल भी हैं इलाज के लिए आ रहे हैं तो उनके बारे में सूचना कलेक्ट कर ले, सो दैट कि उनके परिवार को हम लोग इन्फॉर्म कर दें कि भाई पैनिक होने की बात नहीं है, उनके बारे में जो भी सूचनाएं होंगी उनको तक पहुंचा दें। घायल कितने लोग हैं सर?
घायल की सूचना नहीं, इसी के लिए हम लोग जो है हॉस्पिटल लेवल पे सुपरवाइजर या मेडिकल ऑफिसर को रखे हुए हैं कि जो भी अगर पहुंच रहे इलाज के लिए चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में या चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो उसके बारे में जानकारी को एकत्रित। घटना क्या सर, रेलवे कारण अब रेलवे से पूछ के ही या जांच के बाद ही पता चल पाएगा। रेलवे के अधिकारी कौन आए हैं? आरपीएफ के आए हुए हैं यहाँ पे। बहुत से यात्री देखिए पैदल जा रहे थे,